छाते देखते रीनिंग का प्रश्न दिया है। एफ डी ए का जो संबंध एम के एच के साथ में है, क्यू ओ एल का वही प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में हो। तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्यूशन देखना है। हम सबसे पहले लेटर की नंबरिंग करते हैं। इस टाइप के प्रश्न में एफ 6 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, ठीक। एम 13 नंबर पे आता है, के 11 नंबर पे आता है और एच जो है वो 8 नंबर पे आता है, ठीक है। क्यू आता है 17 नंबर पे, ओ आता है 15 नंबर पे, एल आता है 12 नंबर पे। हम देखते हैं नंबरिंग में क्या बढ़ोतरी हो रही है या घट रहा है। 6 से यहाँ पे 13 पर हो गया, यानी प्लस का कितना हुआ, यहाँ पे प्लस का 7 हुआ, ठीक। पहले वाले लेटर से पहले वाले लेटर 4 है, 4 से 11 हुआ, यानी यहाँ भी प्लस का कितना हुआ, 7 हुआ, ठीक। यहाँ 1 है, यहाँ 1 से कितना हो रहा है, 8, यानी प्लस का कितना हुआ, 7 हुआ। यानी प्रत्येक लेटर में प्लस 7 करने पर सामने वाला लॉजिक हमें प्राप्त हो रहा है। तो सेम लॉजिक हम यहाँ पे लाएंगे, ठीक। 17 में हम प्लस 7 करेंगे, 17 में 7 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पे, 24 मिलेगा। और 24वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एक्स होता है, ठीक। 15 में प्लस 7 करेंगे हम तो कौन सा नंबर आएगा हमारा, 22 आएगा। 22वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है हमारा, एक्स बी होता है, 22वें नंबर पर बी होता है। 12 जो है, 12 में प्लस 7 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 19 मिलेगा। और 19वें नंबर पर कौन सा लेटर होता है, एस होता है, यानी एक्स बी एस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा।